नंबर वन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो ये ए और बी ये लूप है, करंट कैरिंग वायर है, नीचे करंट कैरिंग वायर है। अब वो कह रहा है कि जो लूप है उसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, डायमेंशन गिवन है ए और बी है, इसमें आई नॉट करंट है और इनफाइनाइट वायर है, द करंट डिक्रीजेस टू जीरो। वो कह रहे जो करंट है ये कांस्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यू इसमें आई नॉट से क्या हो जाएगी, जीरो। जब करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो अगर करंट कम होगा तो बी भी कम होगा, बी कम होगा तो इसका फ्लक्स कम होगा, इसका फ्लक्स कम होगा तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। आपको इसमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होगी इस फंक्शन से, गिवन है फॉर्मूला, गिवन है करंट का डिक्रीज होने का फॉर्मूला, गिवन है द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेक्टेंगुलर लूप इज इक्वल टू व्हाट। आपको बताना है कि जब इसमें करंट पैदा हुआ बिकॉज आपने बी को कम किया तो इसमें चार्ज कितना चला गया, ये क्वेश्चन है। कभी भी चार्ज का क्वेश्चन आए तो आपको एक फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस इज चार्ज। तो बेसिकली मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा फाई। अगर मैं आपको डेल्टा फाई निकाल के बता दूं, चेंज इन फ्लक्स उस आर से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। फाई निकालने के लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से बी यहाँ पे ज़्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, जितनी दूर जाते जाएंगे बी कम होता जाएगा, बी नॉन यूनिफॉर्म है, बी यूनिफॉर्म नहीं है, बी कम होता जा रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ ज़्यादा होगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम होती जाएगी। तो इस रेक्टेंगुलर लूप का अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी बीच में इसकी, रेक्टेंगल की। मान लो आपने एक्स डिस्टेंस पे पहले आप काम करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे बड़ा रेक्टेंगल ना लें, बहुत छोटा रेक्टेंगल ले लें, सच दैट इसकी जो हाइट है वो डी एक्स है और विड्थ क्या है बी, तो एरिया क्या है बी इंटू डी एक्स। तो ये एलिमेंट क्योंकि आपने एक्स दूरी पे लिया तो b का फॉर्मूला x दूरी पे क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई बाई एक्स, तो b का फॉर्मूला आ गया। अब फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपने b निकाल लिया और इसका एरिया क्या है स्मॉल b इंटू डी एक्स, तो फ्लक्स क्या होगा b इंटू एरिया। तो ये फ्लक्स आ गया, स्मॉल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स कहाँ से कहाँ निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है इस रेक्टेंगल की इस साइड से इस साइड तक, इस वायर से ये जो साइड है वो सी डिस्टेंस दूर है और ये साइड कितनी है सी प्लस ए डिस्टेंस दूर है, तो लिमिट लगा देना सी से लेके सी प्लस ए। तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें। जब आप इसमें बी की ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से कॉन्स्टेंट आ गया तो क्या बचा, वन बाई एक्स टी एक्स। वन बाई एक्स टी एक्स की मैथ्स में इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दैट इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म। अब इसके अंदर ये अजम्पशन है, जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि आई इंस्टेंटेनियस करंट है, जबकि आपका करंट आई नॉट से कितना हो गया, जीरो हो गया। अब रास्ते में किसी भी इंस्टेंट पर करंट मैंने आई मान लिया तो मेरा रिजल्ट आई की फॉर्म में आ गया। अब जब आई इंस्टेंटेनियस करंट है तो इंस्टेंटेनियस उस इंस्टेंट पर टोटल फ्लक्स फाई है, हमें फाई थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना है डेल्टा फाई निकालना है। तो आपका अगर करंट का चेंज आई की जगह डेल्टा आई कर दें तो फ्लक्स का चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई, आई की जगह डेल्टा आई कर दो, फाई की जगह डेल्टा फाई हो गया। अब मेरे को ये पता है कि शुरू में करंट कित आई नॉट था, बाद में डिक्रीज होके फाइनल करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जब करंट जीरो हुआ, जब करंट जीरो हुआ तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, और जब करंट आई नॉट था तो फ्लक्स क्या था, फाई डैश जो भी है। तो चेंज इन फ्लक्स में क्या करेंगे, डेल्टा आई की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस आई नॉट। क्यों, क्योंकि शुरू में करंट कितना था, आई नॉट, बाद में करंट कितना हो गया, जीरो, तो चेंज क्या हुआ, आई नॉट। तो डेल्टा आई की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पर मैग्नीट्यूड में, आई नॉट, तो ये क्या आ गया, डेल्टा फाई आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, करंट का चेंज लिया तो डेल्टा फाई आ गया। तो आंसर इसको आर से डिवाइड करके ये ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक। और ये जो आप कहेंगे सर फिर ये फॉर्मूला क्यों गिवन है, बस है नहीं, चाहिए ही नहीं फॉर्मूला। ये तो हमारा करंट जब इनिशियल फाइनल हमें पता ही है, हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए टोटल फ्लक्स चाहिए, तो हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें इस करंट की ज़रूरत ही नहीं है।
इस क्वेश्चन के बाद ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कर लिए थे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो ये क्वेश्चन करना है। पढ़ें जरा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक ना रॉड है, रेल्स है, हॉरिजॉन्टल रेल्स है, उसके ऊपर एक रॉड है। तो एक रॉड है और ये रॉड में बैटरी लगी हुई है, करंट घूम रहा है इसमें। अब जब इसमें करंट घूमेगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल। अब वो ये कह रहा है कि इसके अंदर कॉन्स्टेंट करंट आई फ्लो थ्रू अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम दैट स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस रेल्स। तो ये रॉड फ्रिक्शनलेस रेल्स पे मूव कर सकती है। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द रॉड इज वी नॉट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द रॉड बिफोर कमिंग टू स्टॉप। तो कह रहे हैं कि अब रॉड क्या करेगी, मूव करेगी। जब रॉड मूव करेगी तो मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, बीएलवी। और जब जब बीएलवी मोशनल ईएमएफ डेवलप होती है तो एक ऐसा करंट इसमें पैदा हो जाता है जो आपकी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ऐसा ही है, और करंट कैरिंग रॉड है, इसमें करंट पैदा होगा, कुछ करंट इसमें है भी, तो इसमें बी आई एल लगेगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल। एफ इज इक्वल टू बी आई एल की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, अगर आपकी रॉड राइट जा रही है तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल कहाँ करता है, टुवर्ड्स लेफ्ट, जो आपकी मोशन को हमेशा अपोज करता है। हमने एनसीईआरटी में ऐसा किया था कि जब जब रॉड आगे मूव करेगी इंड्यूस करंट हमेशा मोशन को अपोज ही करेगा। अल्टीमेटली अगर आपने वी नॉट वेलोसिटी से इसको छोड़ भी दिया तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल इसे कुछ हद तक वर्क डन करके रोक देगा और रॉड कहीं रुक जाएगी। आपको बताने रॉड कहां रुकेगी। अगर आपको प्लस वन का टॉपिक याद हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या होता था, इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, थोड़ी देर में रुक जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। और इसको रोकने के लिए वर्क डन किसने किया, एफ इज इक्वल टू बी आई एल ने। और कितने डिस्टेंस तक वर्क डन किया, एफ इन टू डी डिस्टेंस तक वर्क डन किया। तो एफ इन टू डी करके आपने क्या किया, एफ की जगह पुट कर लिया बी आई एल, ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि फोर्स जो वर्क डन बाय एफ इक्वल टू बी आई एल से क्या हुआ, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ से सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन को रीड करें, ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ। क्वेश्चन है, देखो एक रॉड है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक रॉड है, ये रॉड ना इस रेल्स के ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आर रेजिस्टेंस है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि B वेक्टर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो B वेक्टर ऐसा है, ये B वेक्टर है और ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर है जो कि ऐसे है। अब एंगल V और B में 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है, चेक कर लो।
क्योंकि बी देखो 90 तब होता अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होती तो ये एंगल 90 था, पर यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसे नहीं है तो एंगल वी में और बी में क्या है, ग्रेटर देन 90 है, सही है। चलो इन एनी केस बी वेक्टर ऊपर है, रॉड स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, इसमें करंट तो पैदा होगा ही होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो करंट पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग रॉड जब मूव करेगी इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बी आई एल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो अगर रॉड इधर को आने की कोशिश कर रही है तो बी आई एल चाहेगा कि रॉड नीचे ना आए, इससे इसका फ्लक्स इंक्रीज होता है। तो कहाँ एक्ट करेगा बी आई एल, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को ही टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है रॉड के नीचे आने की क्या होगी। अब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट तब होगी, टर्मिनल तब होगी जब एक्सेलेरेशन क्या होगी, जीरो, तभी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी। और एक्सेलेरेशन जीरो कब होगी, जब नीचे की फोर्स इज बैलेंस्ड बाय पीछे की फोर्स, आगे पीछे की फोर्स जब कैंसिल हो जाएंगी तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगी। क्वेश्चन ये राइज होता है कि फोर्स की वैल्यू लगेगी कैसे, एफ इज इक्वल टू बी आई एल तो लगेगा, कहाँ लगेगा। इसको समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और ये रॉड है सिलेंड्रिकल रॉड, ये नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, दो ही चीज़ें हो सकती हैं जब ये रॉड नीचे की तरफ उतरती आ रही है, या तो करंट अंदर की तरफ होगा बोर्ड के, ये रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, या तो करंट अंदर की तरफ होगा या करंट बाहर की तरफ होगा, और तो कहीं जा नहीं सकता करंट, अगर या तो इसमें क्लॉकवाइज घूमेगा या इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा ही होगा। तो करंट की वैल्यू इसमें कैसे है, मान लो ऐसे है या ऐसे, दोनों केसेस यूं कर लेते हैं। अगर मान लो करंट ऐसे है, मान लो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, देखो तो मुझे पता नहीं करंट कैसे है एक्चुअल में, मैं तो अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अगर करंट अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, बाय फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल दिस रॉड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90। कहाँ पे बी कैसे है, यहाँ करंट कैसे है, मेरी तरफ सेंट्रल फिंगर मेरी तरफ, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ। तो बी ऐसे है, करंट मैंने क्या बताया, करंट मान लो बोर्ड के अंदर है फ्लेमिंग का रूल, बी ऐसे है करंट बोर्ड के अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगी, इधर। लेकिन उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे, कि अगर मान लो करंट बाहर की तरफ है तो बी ऐसे है करंट अगर बाहर की तरफ है तो फोर्स कहाँ लगेगी, मेरी तरफ। दो ही केस बन सकते हैं, या तो फोर्स इधर लगेगी या फोर्स इधर लगेगी, दो ही चीज़ें। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये रॉड नीचे आ क्यों रही है, तो आप बोलेंगे इसका वेट का कंपोनेंट इसे नीचे लेके आ रहा है, राइट, ऐसे। और अगर मैं ये बोलूं कि चलो एफ इज इक्वल टू बी आई एल यहाँ लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट भी नीचे ही एक्ट करेगा जो रॉड के इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि करंट इसमें ऐसे मूव करेगा, इस रॉड में करंट ऐसे मूव करेगा कि F इज इक्वल टू बी आई एल को कहाँ एक्ट करना पड़ेगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि B ऐसे है, करंट पक्की बात है अंदर की तरफ से होता होगा, तभी F इज इक्वल टू बी आई एल यहाँ होगा। आप सोच लोगे मुझे कैसे पता कि फोर्स यहीं एक्ट करेगी, फोर्स को यहाँ एक्ट करना ही पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि फिर फोर्स का एक कॉम्पोनेंट थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फोर्स का एक कॉम्पोनेंट यहां एक्ट करेगा जो इस फोर्स को क्या कर जाएगा, कैंसल, जिससे कि वेलोसिटी क्या जाएगी, कांस्टेंट। और अगर मेरी फोर्स एफ इज इक्वल टू बी आई एल मेरी तरफ एक्ट कर गई, फिर कैंसिल करने वाली कोई फोर्स निकलेगी नहीं और मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट निकलेगी नहीं, फिर एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगी। तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि करंट की डायरेक्शन बोलो अंदर है कि बाहर है, यह आपको ही बाय डिफॉल्ट बताना चाहिए कि जब इंक्लाइन प्लेन पे रॉड नीचे उतरेगी और उसमें करंट पैदा होगा, उसकी वजह से जो एफ इज इक्वल टू बी आई एल है उसको यहाँ ही होना चाहिए, ताकि इसका एक कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा को क्या कर जाए, बैलेंस कर जाए और नेट एक्सेलेरेशन को जीरो करके वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट कर जाए। तो ये पॉइंट समझ में आया कि मैंने कैसे सोचा कि एफ इज इक्वल टू बी आई एल उस तरफ ही होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, यही किया मैंने, एम जी साइन थीटा को, ये थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल कॉस थीटा विल बी बैलेंस बाई एम जी साइन थीटा, इन इक्वेट कर दिया। और मेरे को वेलोसिटी वी निकालनी है, पर इससे पहले मैं वी निकाल लूँ मुझे करंट पुट करना पड़ेगा। इसमें करंट इंड्यूज हुआ पैदा हुआ, अगर करंट इसमें इंड्यूज हुआ पैदा हुआ तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी एल वी बाई आर, पर यहाँ पर बी एल वी लग नहीं सकता,
बीएलवी का फॉर्मूला तब लगता है, इंड्यूस ईएमएफ बीएलवी तब लगता है जब बी एल और वी तीनों एंगल कितने होने चाहिए 90। और मैंने आपको आज अभी क्वेश्चन में बता दिया था कि बी वेक्टर और वेलोसिटी ये वाला वेक्टर 90 पे बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेटर देन 90 पे है। तो मैंने एक शॉर्टकट करवाया था ईएमआई में कि जब भी आपको बीएलवी लगाना है और आपका बी और वी में एंगल 90 नहीं बनता तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट लें जो रॉड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। कैसे? ये थीटा अल्टरनेट इस वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लें, क्योंकि रॉड नीचे की तरफ आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, इसके तो कंपोनेंट होंगे वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। अब वी कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो इसलिए मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यहां पर बी एल वी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बी एल इंटू वी कॉस थीटा लगेगा, वी नहीं लगेगा, वी कॉस थीटा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वी कॉस थीटा जो वेलोसिटी है वो बी वेक्टर के साथ एंगल क्या बनाती है 90। ये स्टेप समझ में आए यहां तक? ये स्टेप समझ में आ रहा है कि आप इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, आपका वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, थीटा थीटा करके वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो बी के साथ एंगल क्या बनाएगा 90। तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू यहां पर बी इंटू एल इंटू वी इंटू कॉस थीटा आएगी, ऐसे ये आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? बी एल वी मत यूज करना, तो क्या यूज करना? बी एल वी कॉस थीटा, ठीक। और करंट की जगह बी एल वी कॉस थीटा, ये एल का एल वी लगा हुआ है, एल करेक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। आपको वेलोसिटी निकालनी है और ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि नेट फोर्स को मैं क्या कर चुका हूं, जीरो। कोई डाउट इसमें? लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक इसमें लगेगा? तो आज की बात, कभी भी रॉड इंक्लाइन प्लेन में निकलेगी तो एफ इजिकल टू बी आई एल को पीछे ही यूज करना, और एफ इजिकल टू बी आई एल के कॉम्पोनेंट्स कैसे यूज करने हैं ये क्वेश्चन आपको एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग रिंग्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर हैव कॉमन एक्सिस। तो ये लो, एक रिंग ले लो कैपिटल आर रेडियस की, एक रिंग ले लो स्मॉल आर रेडियस की, इनके बीच में दूरी कितनी है एक्स, सही है? डिस्टेंस बिटवीन देम इज एक्स, इफ बिगर रिंग कैरीज अ करंट ऑफ आई, ठीक है, आई करंट है, इसमें कुछ नहीं है। आपको क्या निकालना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी है, क्या होगी? आपको कैपिटल एम निकालना है, दोनों सिस्टम का क्या होगा? अब ये क्वेश्चन इंड्यूस ईएमएफ का नहीं है, ये क्वेश्चन अब कैपिटल एम का है, म्यूचुअल इंडक्शन, एम फाई इज इक्वल टू एम आई। तो हम एक काम करते हैं, कोई फिक्स रिजल्ट तो इसका है नहीं कैपिटल एम निकालने का, तो एक काम करेंगे, ये करंट कैरिंग लूप इसके सेंटर पर क्या जनरेट करेगी? बी। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमें आता है कि एक सर्कुलर लूप एक्सिस पे बी कितना जनरेट करती है, इतना बी जनरेट करती है, ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो ये बड़े रिंग ने इसके सेंटर पे बी जनरेट किया, और बड़े रिंग का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और कितनी दूरी पे जनरेट किया? एक्स। तो ये फॉर्मूला लगा दिया, बड़े रिंग ने इतना बी छोटे के ऊपर पैदा कर दिया या प्रोड्यूस कर दिया, सॉरी। अब इसका फ्लक्स चेंज हो गया, इसका एरिया कितना है? पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसका फ्लक्स कितना चेंज हुआ? इसका फ्लक्स चेंज हुआ, बी इसने बड़े रिंग का ले लिया, एरिया छोटे रिंग ने अपना यूज कर लिया। तो बड़े रिंग का बी इंटू छोटे रिंग का एरिया फ्लक्स आ गया। लेकिन फ्लक्स कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है, साइज इक्वल टू एम आई, इन दोनों को इक्वेट कर लें, आई से आई कैंसल, जो बचा कैपिटल एम, ऑप्शन मार्क कर लेना आंसर। तो समझ में आ रहा है कि कैपिटल एम की वैल्यू कैसे आएगी? तो एक तरीका क्या है, साइज इक्वल टू बी इंटू एरिया से, और दूसरा तरीका क्या है, फाइज इक्वल टू एम आई से। तो बी आपने बड़े रिंग का यूज किया, छोटे रिंग का फ्लक्स आ गया,
और फाइव इज इक्वल टू एम आई से आई से आई कैंसिल करके कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। मेथड समझ में आ रहा है, हमने वैसे किया भी था क्लास में ईएमआई चैप्टर में कैपिटल एम की वैल्यूज कैसे जनरेट होती हैं अलग अलग लूप्स में, ये हमने प्रैक्टिस भी किया था, ये वही क्वेश्चन है। तो इसमें वो डेरिवेशन नहीं चल पाएगी इस क्वेश्चन में, किया था लास्ट टाइम शायद हमने, ये कर लिया था ये भी कर लिया था, दो कर लिए थे, ये नहीं किया था। इस क्वेश्चन को देखें, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है टू सर्कुलर क्वाइल्स ए एंड बी, चलो ए और बी दो सर्कल क्वाइल्स हैं और कोएक्सियल ऐसे पड़े हुए हैं आमने सामने और करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में जा रहा है दिख रहा है मुझे। तो क्या क्वेश्चन है दी, तो वो कह रहा है कि अब आगे के कुछ ऑप्शंस को मार्क करो क्या करेक्ट क्या रॉन्ग है। तो पहला, इफ ए, ये कैपिटल ए है सॉरी स्मॉल ए नहीं है कैपिटल ए, इफ कैपिटल ए कैरीज अ स्टेडी पॉजिटिव करंट, इसमें कॉन्स्टेंट करंट जा रहा है एंड कैपिटल ए इज मूव टूवर्ड बी, तो ये बी की तरफ मैं ले गया और नेगेटिव करंट इज इंड्यूस्ड इन बी, तो इसमें ऑपोजिट करंट पैदा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब ये करंट कैरिंग लूप इसके पास जाएगा तो ये पड़ोस की कॉइल का फ्लक्स बढ़ाएगा और ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, तो ये ऑपोजिट करंट पैदा करके इसके फ्लक्स को क्या करेगा, कमजोर करेगा। उसी तरीके से इफ ए कैरीज अ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव करंट, इसमें कॉन्स्टेंट करंट है एंड बी इज मूव टूवर्ड ए, वो ए की बात है यार, तुम ए को बी के पास ले जाओ बी को ए के पास ले जाओ, फर्क तो कोई है ही नहीं, तो नेगेटिव करंट फिर से पैदा हो जाएगा बी के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं, क्योंकि चाहे ए बी के पास आए या बी ए के पास आए इसने तो अपोज करना ही करना है, तो दोनों ऑप्शन में कोई फर्क नहीं है। और तीसरा, इफ बोथ कॉइल्स कैरी पॉजिटिव करंट दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्यों, व्हेन करंट आर कैरिंग इन सेम डायरेक्शन तो टू कॉइल्स हमेशा आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप बीइंग पुल्ड आउट विद अ कांस्टेंट स्पीड आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ में क्या होगा। देखो एक स्क्वायर लूप है, एक स्क्वायर लूप के अंदर जैसे अगर मैं ये पूछूं इन दो एंड में ईएमएफ कितनी जनरेट होगी, तो तुम इनको ज्वाइन करोगे, ईएमआई के अंदर यही रूल था, कोई भी दो पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया जाता है, और अगर ये मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो जैसे ये एल है ये एल है, तो ये क्या बनेगा रूट टू एल, तो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या डेवलप होगी इन दो पॉइंट्स में बी एल वी में, एल की जगह क्या पुट करेंगे रूट टू एल, तो बी इंटू रूट टू एल इंटू वी। लेकिन एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ये लूप बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ पे लेंथ अपर अभी छोटी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर मैक्सिमम है, तो बी एल वी जब इन रॉड्स पे लगेगा बी एल वी बी एल वी बी एल वी बी एल वी बी एल वी, तो BLV से EMF की वैल्यू बढ़ती जाएगी जब तक
रॉड की लेंथ क्या नहीं हो जाती, रूट 2L। फिर लेंथ कम 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 होती जा रही है तो EMF कम 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 होती जाएगी और फाइनली क्या हो जाएगी, जीरो। तो ठीक बोल रहे हैं ना, पहले EMF क्या होगी, बढ़ेगी क्योंकि लेंथ बढ़ रही है BLV में, फिर घटेगी और मैक्सिमम EMF कितनी हो जाएगी BLV में, L की जगह L रूट टू के साथ आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? तो कैसे आंसर मार्क करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्यों बढ़ेगी लेंथ, बढ़ेगी फिर घटेगी लेंथ, तो BLV में जब लेंथ बढ़ेगी और घटेगी तो EMF भी बढ़ेगी और घटेगी और उसके बाद फिर जीरो हो जाएगी। ये क्वेश्चन EM वेव का क्वेश्चन है, और डल गया गलती से ये क्वेश्चन, एक बार इसको भी देख लो प्लीज। हमने किया डिस्प्लेसमेंट करंट, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है EM वेव में, गामा, एक्सरेज और गामा की होती है, सबसे एंड में गामा आता है, तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे हाई है। लेकिन अगर चार ऑब्जेक्टिव में गामा एब्सेंट है तो फिर एक्सरेज उसकी प्लेस लेगी, ये याद रखना ठीक है। तो कंसिडर अ पैरल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा एक पैरल प्लेट कैपेसिटर क्यू, तो चार्ज इस पर क्यू है, एरिया इसका ए और ए है, तो इसका जो प्लेट का एरिया है वो क्वेश्चन में गिवन है ए है, और इसका एरिया गिवन है ए बाई टू, इसका आधा है। एन इंस्टेंट व्हेन चार्ज ऑन द प्लेट इज क्यू, किसी भी इंस्टेंट पर प्लेट पे चार्ज कितना है क्यू, यानी कि क्यू इज चेंजिंग विद टाइम, क्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि इट्स अ केस ऑफ अ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी, तो यानी कि चार्ज बढ़ रहा है, डी क्यू बाई डी टी से रेट बढ़ता जा रहा है। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू अ सर्कुलर रीजन ऑफ एरिया ए बाई टू क्या है। वैसे तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने ईएम वेव में किया था कि पूरे के पूरे कैपेसिटर के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, पर मैं चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करंट निकालूं सिर्फ छोटे सर्कल में कितना होगा। तो ये बताओ पहले ये दोनों प्लेट्स मिलके ई कितना जनरेट करेंगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या होता है चार्ज बाय एरिया, तो ये ई की वैल्यू है। और ये ई फ्लक्स किसका चेंज करेगी, छोटे प्लेट का, तो एरिया छोटे प्लेट का यूज़ करना है, बड़े प्लेट का यूज़ नहीं करना, तो फ्लक्स में क्या यूज़ करेंगे, ई इंटू एरिया ऑफ अ स्मॉल प्लेट, तो ये वैल्यू आ गई। और हमने फॉर्मूला किया था डिस्प्लेसमेंट करंट का एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं पूरी की पूरी, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और हाफ इंटू डी क्यू बाई डी टी आंसर मार्क कर लेना। तो मेथड समझ में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट के अंदर कैसे इस क्वेश्चन को किया जा रहा है, ठीक है यहाँ तक। इस शीट के बाद 43 शीट के बाद शीट नंबर 44 शीट का क्वेश्चन नंबर 1, दो ये इजी लग रहा है, ये इजी है। क्या क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फाई टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आपको क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है, कब, 5 सेकेंड पे, और आपका आंसर मिली वेबर में आना चाहिए। तो एक काम करें, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, लेकिन ये वेबर में है, इसको मिली वेबर में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम को क्या पुट करना पड़ेगा, 5, आंसर निकल आएगा। मेथड क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, संडे को सेकेंड फुल कोर्स टेस्ट के लिए रेडी रहें, सेकेंड पहले भी तो रिजल्ट ही नहीं आया तुम्हारा, संडे को तो तुम पहले दे देना, तुम स्कूल में दे देना, तुम संडे को तो वैसे तैयारी करके आ ही जाओगे, सैटरडे को पेपर है तुम्हारा, तुम्हें तो वैसे टेंशन नहीं है, बाकी को दे लेने दो, अच्छा रिजल्ट नहीं था इसलिए। क्या रिजल्ट था, कुछ भी नहीं है यार, मज़ेदार रिजल्ट थोड़ी ना था, दो बार दोगे तभी कुछ सही बैठेगा। तो इसमें एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड 10 है और रेजिस्टेंस 5.5,
इज प्लेस्ड वर्टिकली ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो ये लो, ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ऐसे पड़ी हुई है ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब नॉर्थ तो कहीं यहाँ कहीं होगा या अंदर की तरफ होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड ने ईस्ट के साथ क्या एंगल बनाना है, 45 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट का मतलब मिड पॉइंट है। तो इस लूप के साथ बी ने एंगल क्या बना लेना है, 45। तो जैसे ये बोर्ड, पूरा का पूरा बोर्ड ईस्ट वेस्ट प्लेन है, मान लो नॉर्थ वहाँ पर है, तो नॉर्थ के साथ ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो 45, तो मेरा हाथ बी वेक्टर है, बी वेक्टर ने लूप के साथ एंगल क्या बनाना है, 45। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू जीरो, मैंने फील्ड ही बंद कर दिया, तो फील्ड बंद करने का मतलब फाई क्या हो गया, जीरो इतने टाइम में। तो आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होगा। तो पहले फ्लक्स था कितना, पहले ये बताओ, बी ए कॉस 45, पहले एंगल क्या बना हुआ था, 45, तो बी और एरिया वेक्टर के अंदर भी एंगल 45 है, तो बी ए कॉस 45 इनिशियल फ्लक्स है, और फाइनल फ्लक्स क्या हो गया, जीरो, क्योंकि बी की वैल्यू तुमने क्या कर दी, जीरो। तो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स आ गया, टाइम आपको पता है, तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ गया, आंसर आ गया। तो सही क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है आपने इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन है ये जनरेटर की तरह, क्वेश्चन है जनरेटर की तरह लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में ए बी सी डी लूप है, एरिया आपको गिवन है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है थ्रू 180। 180 का मतलब अभी बी में और एरिया में एंगल क्या बना हुआ है, जीरो। फिर 180 घुमाने का मतलब एरिया वेक्टर बाहर आ गया, तो बी और एरिया में फिर फाइनल एंगल क्या बन गया, 180। तो पहले बी और एरिया में एंगल जीरो, फिर बी और एरिया में एंगल 180। तो आपको क्या निकालना है, और इतने समय में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बताओ, करंट बताओ, चार्ज बताओ, तीनों केस में। तो इनिशियली मैंने क्या बताया, बी और एरिया में एंगल क्या है, जीरो। फाइनली बी और एरिया में एंगल क्या है, 180। तो इनिशियल फाइनल फ्लक्स आ गया, तो डेल्टा फाइव निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके आंसर आ गया। फिर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, जो भी डेल्टा फाइव आएगा उसको टाइम से क्या कर दिया, डिवाइड, तो क्या आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गई। और अगला पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा, तो करंट आ गया। और लास्ट पार्ट क्या है, चार्ज निकालना। चार्ज क्या होता है, चार्ज की वैल्यू होती है आई इंटू टाइम, जो भी आपने करंट निकाला उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, चार्ज आ गया। क्लियर है यहाँ तक, तो लॉजिक क्लियर है कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये किया हुआ है हमने लास्ट टाइम, एक्सलेशन मैग्नेट जब गिरेगी तो कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट पैदा होगा जो मैग्नेट को अपोज करेगा, तो इसकी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नहीं गिर पाएगी, थोड़ी कम वैल्यू ऑफ जी से गिरेगी क्योंकि इसको अपोजिशन मिलती जाएगी। किया था हमने, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है हमने। सेवंथ, कितनों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, किस आंसर जीरो होगा।
देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, क्रॉस का मतलब यहाँ पर क्या है, करंट। तो इसमें जो करंट है, एक वायर है इनफाइनाइट, उसमें करंट कैसे जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। अगर करंट बोर्ड के अंदर जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी बनेंगी, थंब करंट के साथ है कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, क्योंकि थंब के साथ करंट है तो कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल है, इस ट्राइंगल का एरिया वेक्टर कैसे होगा, मान लो बोर्ड के बाहर परपेंडिकुलर, बी वेक्टर कैसे है बोर्ड के ऊपर, एरिया वेक्टर कैसे है बाहर की तरफ, तो बी और एरिया में एंगल कितना है 90, तो फ्लक्स क्या है जीरो, इंड्यूस करंट पैदा नहीं हो सकता। तो जब भी एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में पड़ी हो उसमें कभी करंट पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बी वेक्टर अगर इस प्लेन के साथ है, एरिया वेक्टर तो हमेशा बोर्ड के अंदर बाहर होगा, जो एंगल बी के साथ क्या बनाएगा 90, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा जीरो, आंसर कुछ नहीं पैदा होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर से, जैसे ये एक मान लो ये एक लूप है, कुछ भी फिगर है कोई भी, करंट मान लो बोर्ड के अंदर है, इसके अंदर है करंट, अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही हैं, एरिया वेक्टर ऐसे है, बी ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल 90 नहीं बन गया, तो बी और एरिया में एंगल 90 की वजह से इसमें फ्लक्स ही पैदा नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा ना, कॉस 90 है तो इसमें करंट पैदा नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक रॉड है 4 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ खींची जा रही है, एक और रॉड है जो 2 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रही है, लिखा नहीं हुआ 2 मीटर पर सेकेंड राइट है, दो रॉड्स मूव कर रहे हैं तो मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, बीएलवी एंड बीएलवी दोनों में डेवलप होगी। इस रॉड की रेजिस्टेंस है 10 ओम, इस रॉड की रेजिस्टेंस है 15 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम। अब इसमें मोशनल ईएमएफ है, इसमें करंट पैदा होगा, वो करंट 5 ओम में भी जाएगा, तो दोनों रॉड्स का करंट जाएगा, नेट करंट 5 ओम में कितना ये बताओ, ये क्वेश्चन है आपको। 5 ओम में दोनों रॉड्स का जो करंट गया नेट, वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आई करंट बताना है कितना है। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, मैंने आपको हमेशा सिखाया एक बैटरी लगा लो, क्या सिखाया कि अगर रॉड मूव कर रही है तो आप यहाँ एक बैटरी लगा लो कि यहाँ पर मोशनल ईएमएफ कितनी डेवलप हो रही है, बीएलबी इज इक्वल टू बीएलबी। तो आप इसमें ऐसे करें, अगर ये रॉड मान लो लेफ्ट जा रही है तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करंट कैसे पैदा होगा, बी बोर्ड के अंदर है थंब करंट इधर है तो करंट कहाँ पैदा होगा, नीचे, बी बोर्ड के अंदर है थंब इधर है करंट नीचे, नीचे का मतलब करंट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर लेफ्ट मूव करती हुई रॉड का इतना ऐसा करंट पैदा होगा नीचे की तरफ, तो राइट मूव करती हुई का ऊपर पैदा होगा माइनस से प्लस, राइट, क्योंकि इंड्यूस करंट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसके अंदर एक बैटरी लगेगी, बैटरी ऐसे लगानी है नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ऐसे यहाँ बैटरी उल्टी लगेगी, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ऐसे लगेगी। बैटरी लगानी आ गई, करंट की डायरेक्शन से पहले चार्जेस बना लो माइनस प्लस, और फिर बैटरी के टर्मिनल डिसाइड कर लो कौन सा माइनस कौन सा प्लस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई, तो आपका डायग्राम बेसिक ऐसा बन गया। तो ये आपको रेजिस्टेंस दोनों रॉड्स की पता है R1 R2, आपको ये कैपिटल R पता है, दो बैटरीज लग गई। आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैंने वो दूसरा ट्राई नहीं किया पर मुझे लगता है कि आंसर आ जाएगा।
हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट कर लिया, जो रॉड की रेजिस्टेंस है वो इसकी इंटरनल हो गई और रॉड की इसकी इंटरनल हो गई, तो क्यों ना बैटरीज इन कॉम्बिनेशन लगा लें। तो हमने किया हुआ है, दो बैटरीज पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट बैटरी लगा लें, दो की जगह एक बैटरी हमें लगाना आती है तो फिर इसमें करंट निकाल लें कैपिटल आर में क्या होगा। ये पहला तरीका है, मैंने नहीं किया, आप प्लीज़ पहले घर से ट्राई करके जाना, पेपर में बाई चांस आ जाए वहाँ ट्राई मत मारना, पहले करके जाना। मैंने मेथड टू यूज़ किया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मैंने ऐसे माना इसे कि पहले इमेजिन करो सिर्फ एक ही बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी नहीं लगी हुई, तो एक बैटरी करंट देगी आई, इसमें से आई टू और आई वन जाएगा इसमें, तो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से आई वन की वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसके साथ सीरीज में है और करंट आएगा, फिर करंट को डिवाइड करूँगा इन रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। तो मैं ये करंट निकाल लूँगा आई वन, फिर मैं एक काम करूँगा, ये मानूँगा कि बैटरी यहाँ लगी है यहाँ नहीं लगी हुई, और फिर मैं करंट इसमें निकाल लूँगा जो कि कितना आएगा आई डैश आई वन डैश। तो ये मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ से जो करंट आएगा, यहाँ से बड़े पॉजिटिव टर्मिनल से, वो करंट यहाँ नीचे एंटर करेगा, और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऊपर एंटर करेगा, क्योंकि करंट हमेशा कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम पॉजिटिव। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि तुम पहले आई वन निकाल लो, आई वन डैश निकाल लो, तो इसके अंदर करंट नीचे इसके अंदर ऊपर है, तो एक ही डायग्राम को कंबाइन करो, कंबाइन करके नेट करंट क्या आएगा, नेट करंट आएगा आई डैश माइनस आई वन, मतलब एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगा के दोनों करंट को आपस में माइनस करके नेट करंट बता देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि वो बैटरीज इन कॉम्बिनेशन वाला तरीका ज़्यादा बेटर है, दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगा लो पैरेलल में और फिर कैपिटल आर का करंट निकाल दो, एक ही गो में आंसर आएगा, करके देख लेना एक बार। बट ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल भी इक्वली गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चांस कम है इस क्वेश्चन को आने का, बट फिर भी आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि आप कैसे दो बैटरीज को सॉल्व कर पाएंगे इसे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक इंडक्टर है, इंडक्टर का एल पता है और करंट डिक्रीज हो रहा है, डी आई बाई डी टी पता है, सेल्फ इंडक्शन निकालनी है। तो हो गया क्वेश्चन, इसमें ई एम एफ की वैल्यू निकालनी है, इंड्यूस ई एम एफ। तो इंड्यूस ई एम एफ का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता ही है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, एल आपको पता है, डी आई बाई डी टी इसमें नेगेटिव होगा क्योंकि करंट इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस आंसर मार्क कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने हमेशा बताया था आपको, बुकलेट में सॉल्व करके भी दिखाया था मैंने ईएमआई चैप्टर में। देखो जरा क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किरचॉफ लॉ याद है, हम क्या करते थे, सेम लगेगा। तो आप एक काम करें, ए से लेके बी तक करंट जा रहा है तो आप वी ए से शुरू करें, वी ए करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इंटू आर, वी ए माइनस आई आर। अब इंडक्टर का ये रोल है, अगर आपका करंट क्या हो रहा है डिक्रीज, फिर तो ई एम एफ को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीजिंग करंट में ई एम एफ बढ़ जाती है। तो यहाँ माइनस ना यूज़ करें, यहाँ प्लस यूज़ करें, और यहाँ पर प्लस से माइनस आ रहे हैं, माइनस ई इज इक्वल टू वी बी, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी निकालना है, गिवन है गिवन है गिवन है और ये भी गिवन है आंसर। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट ये भी बताया था, अगर करंट यहाँ इंक्रीज होता तो यहाँ पर माइनस प्लस की जगह माइनस होता, करंट बढ़ेगा तो ई एम एफ अपोज करेगी माइनस में आएगी, और अगर करंट घटेगा तो ये टर्म प्लस में आएगी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कौन से टर्म कैसे इसको लगाना है, करंट घटेगा मैंने किया था, मैंने वो ईएमआई के चैप्टर में ये सेम एग्जांपल को कर दोनों केस करके दिखाया है, करंट घटेगा तो कैसे लगाना है, करंट बढ़ेगा तो कैसे लगाना है, बुकलेट में सब कुछ मेंशनड है इसमें। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन है कि लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग 200 टर्न्स, तो एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके अंदर 200 टर्न्स हैं पर सेंटीमीटर, मतलब ये आपको स्मॉल एन गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो स्मॉल एन गिवन है, कैरिंग अ करंट ऑफ आई भी पता है, तो आपको इसमें आई पता है, आपको इसमें एन पता है, तो समझो आपको इसका बी पता है, बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से बी तो आई जाएगा, ठीक है, तो आपने सोलेनोइड का बी निकाल लिया। अब वो कह रहे हैं एट द सेंटर ऑफ दिस सोलेनोइड इज प्लेस्ड कॉइल ऑफ 100 टर्न्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन हैविंग इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड का मतलब ऐसे है, ये कॉइल ऐसे पड़ी हुई है जिसमें कुछ टर्न्स हैं और इसका एक्सिस पैरेलल टू दी कॉइल है, मतलब अगर मान लो बी वेक्टर इस तरफ है, ये कॉइल बीच में रख दूंगा मैं, सोलेनोइड के अंदर कॉइल रखी, इसका एक्सिस भी बी के साथ है, मतलब इसका एरिया वेक्टर और बी वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं, जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी ए कॉस जीरो। लेकिन अब वो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड विद इन 0.05 सेकेंड, जब सोलेनोइड में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो बी वेक्टर इधर आने की बजाय कहाँ हो जाएगा, इधर, कॉइल का एरिया तो अभी भी इधर ही है, तो अब फाइनली एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा, 180, तो पहले कितना था बी ए कॉस 0, अब क्या है बी ए कॉस 180, तो आपको बस यही करना है, इसमें आपने इसमें पहले बी निकाल लेना है, फिर बी ए कॉस 0 से इनिशियल फ्लक्स आएगा, फिर बी ए कॉस 180 से फाइनल फ्लक्स आएगा, चेंज इन फ्लक्स क्या आएगा, चेंज इन फ्लक्स आएगा डेल्टा फाइव विल बी इक्वल टू, या डी फाइव विल बी इक्वल टू, फाइनल फ्लक्स क्या है माइनस बी ए, इनिशियल फ्लक्स क्या है बी ए, कि फाइनल फ्लक्स में क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, फाइनल फ्लक्स है पी ए कॉस 180, इनिशियल फ्लक्स है बी ए कॉस 0, तो ये क्या बनेगा माइनस बी ए यानी कि माइनस टू बी ए, तो मैग्नीट्यूड में सीधा लिख दिया 2 बी ए, सही है, तो डेल्टा फाई आ जाएगा 2 बी ए, इसको टाइम से डिवाइड करके ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है बी ए कॉस 0 बी ए कॉस 180 का, और फिर वहां से चेंज इन फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। इस क्वेश्चन को देखें, टोरॉइड सोलेनोइड है, टोरॉइड पता है ना, वो सर्कुलर सोलेनोइड, टोरॉइड सोलेनोइड है जिसका रेडियस पता है, एरिया पता है, टर्न्स पता है, सेल्फ इंडक्शन एल निकालो, तो एक काम करते हैं, टोरॉइड का पहले नंबर ऑफ टर्न्स पता है आपको, लेंथ आर पता है तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2πr, तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गई तो आप उसके अंदर बी निकाल लें, टोरॉइड का बी क्या होता है म्यू नॉट एन आई, लेकिन करंट तो आपको टोरॉइड का पता नहीं, तो आप अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ करंट निकाल दें, ये आएगा, तो म्यू नॉट एन आई में एन पुट कर दें, करंट की फॉर्म में ये बी आएगा। अब इसके अंदर जो ये बी आएगा तो फ्लक्स क्या होगा टोरॉइड, इस सोलेनोइड का फ्लक्स होगा बी ए, बी इंटू ए, तो बी इंटू एरिया और इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी, 1200 टर्न्स हैं तो फ्लक्स 1200 टाइम्स हो जाएगा, तो बी हमने ऊपर का यूज़ किया, एरिया हमें पता है और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। लेकिन टोटल फ्लक्स निकालने का एक और तरीका था, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई से एक फ्लक्स आएगा, फाई इससे भी फ्लक्स आ गया बी इंटू ए से, दोनों को इक्वेट करके एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है। और इसी के अंदर जो अगला पार्ट है वो ये कह रहा है
इस 1200 नंबर ऑफ टर्न्स के टोरॉइड पे 300 टर्न्स का एक और टोरॉइड लपेट दिया, एक और टोरॉइड लपेट दिया 300 टर्न्स का। इफ ये करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर, जो पहला टोरॉइड था 1200 वाला उसमें करंट को बढ़ा दिया, तो कह रहे ऑब्टेन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो 300 वाले में ईएमएफ कितनी पैदा हुई ये बताओ। तो पहला पॉइंट ये है कि जब 1200 वाला टोरॉइड है, 1200 वाला टोरॉइड जो है उसने इतना बी पैदा किया, इतना बी उसने यूज किया, इतना बी जनरेट किया। जो छोटा 300 वाला टोरॉइड है वो बी तो ऊपर वाला यूज करेगा बड़े वाले का, क्योंकि उसका खुद का करंट तो है नहीं, 300 वाले का खुद का करंट तो है नहीं, 1200 वाले ने इतना बी जनरेट किया। एरिया छोटे वाला खुद का यूज करेगा, क्योंकि दोनों 1200 और 300 एक दूसरे पे लिपटे हुए हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। हर नंबर ऑफ टर्न के 300 यूज करेगा, तो इसने क्या निकाल दिया, अपना फ्लक्स निकाल दिया, अपना फ्लक्स निकाल दिया। अब करंट की वैल्यू, अब फ्लक्स की वैल्यू कैसे आई के साथ चेंज हो रही है। पहले करंट वो कह रहे हैं करंट की वैल्यू कितनी है, 0 से 2 एम्पियर कर दिया। जब करंट 0 था तो फ्लक्स क्या था, इसका मतलब इसमें 0, और 2 एम्पियर में इसको आई को 2 पुट करो फाइनल फ्लक्स आ गया। तो चेंज इन फ्लक्स दोनों को माइनस करके डीफाई आ गया, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है, ईएमएफ की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सारा काम आई पे डिपेंडेंट है, फर्स्ट टोरॉइड का आई तो गिवन नहीं, तो सारा काम आई की फॉर्म में करना पड़ेगा और करंट को यहां पर आके चेंज करना पड़ेगा। मेथड समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक है इसका। जैसे क्वेश्चन है कि आपने व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड, एल के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ को डबल कर दें कीपिंग एरिया सेम। तो एल एन को डबल कर देंगे, एन को डबल करेंगे, लेंथ को डबल करेंगे, ये डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्वाइस। आंसर फॉर्मूला लगाना है इसमें सिंपल। बाकी ये क्वेश्चन 15, वॉट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड, एल निकालना है अगर इंडक्टेंस में एनर्जी इसके इक्वल है किलो वॉट, 1 किलो वॉट का मतलब 3.6 × 10^6 जूल होती है। तो एनर्जी पता है इंडक्टर की, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी पता है, करंट पता है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, एल की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो एनर्जी ऑफ ए इंडक्टर आपको पता है, हाफ एल आई स्क्वायर से आपका आंसर आएगा। शीट नंबर 44 के बाद शीट नंबर जो 45 है, ये एक सिंपल शीट है, मतलब इसमें कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका होमवर्क ही है पूरे का पूरा, कोई नया नहीं है, बेसिक शीट है। नेक्स्ट 45 के बाद शीट नंबर 46, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर हम बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल मैग्नेट गिर गया, ये सारे क्वेश्चन ने किए हुए हैं ऑलरेडी, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, एक्सेप्ट ये वाला क्वेश्चन करें, बाकी आपने ट्राई करने हैं, होमवर्क ट्राई करने हैं। ये शीट के सोल्यूशन गूगल ड्राइव पर ने डाल दिए हुए हैं सारे शीट्स के, तो वहाँ से रेफर भी कर सकते हैं आप एक एक सोल्यूशन, ताकि आपको पता हो करते हुए कि क्या करना है, पर ट्राई करना जरूरी है। तो ये ट्राई करने के बाद पी वाई क्यू ट्राई करें, इसको क्लोज करें, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम बहुत कम है, और अभी हम एसी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टाइम, फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग, फिर एसी करें कि ईएमआई करें कि ईएम वेव करें, फंसे रहेंगे, या स्कूल का पेपर करें, टाइम कम है और 15-20 सितंबर तक की टाइम है, 15 दिन और हैं आपके पास, जो करना है कर लो, उसके बाद समय नहीं मिलेगा, ये वॉल्यूम खत्म है। तो एक बार वेव ऑप्टिक स्टार्ट हो गया, फिर ऑब्वियसली सेकेंड वॉल्यूम, तो हर बंदा ये सोचता है जो हुआ फर्स्ट में हुआ सेकेंड को तो ढंग से कम साथ साथ चलाना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ ऐसे ही होता है और क्या होता है, और क्योंकि सेकेंड वॉल्यूम 3 महीने में ख़त्म होना है, तो इसकी स्पीड भी ठीक ठाक होगी, टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है, हर दूसरी तीसरी दिन टेस्ट होना ही है इसका, आगे तुम चलते ही ना बिना टेस्ट के, तो साथ साथ टेस्ट होते जाएंगे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ये फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आपको भी बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। देखो ये तो साफ गलत है, क्यों, बी से लेके सी तक एकदम फ्लक्स जीरो हो गया, देखा आपने, समय भी नहीं लिया, उसी टाइम जीरो हो गया, बहुत कम समय में जीरो हुआ, यानी कि ईएमएफ जबरदस्त पैदा होने वाली है, बहुत ज्यादा ईएमएफ पैदा होने वाली है, बहुत कम टाइम में फ्लक्स जीरो हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि ईएमएफ क्या हो गई, जीरो, गलत। जब फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ पैदा होती है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, सही नहीं है।
ठीक है यहाँ तक रॉन्ग बताना है इसमें। एक ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन गलत है, हालांकि मैंने कर तो दिया बट गलत है ये, आपको सही बताता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे ये शायद मैं ठीक सोच रहा हूँ, आपको भी ऐसा लग रहा होगा, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स ऐसे पड़ी हुई हैं, नॉर्थ यहाँ पर है साउथ यहाँ पर है, ऐसे है हॉरिजॉन्टल प्लेन में नॉर्थ एंड साउथ है, ऐसे दिख रहा है सबको, मैं ठीक देख रहा हूँ ना, नॉर्थ साउथ ऐसे है, और इसके बीच में लूप ऐसे जा रहा है, ऐसे ही है। अगर नॉर्थ साउथ ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, लूप का प्लेन भी ऐसे है, लूप का एरिया कहाँ होगा, ऊपर, तो एरिया और बी में एंगल क्या बनेगा 90, फ्लक्स क्या होगा हमेशा जीरो, इसमें ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती। तो अगर तो ये डायग्राम कोई बनाता है जिसके अंदर एक लूप ऐसे जा रहा है और फील्ड ऐसे है, तो देखो एरिया वेक्टर ऊपर है, बी ऐसे है, तो इसमें ईएमएफ पैदा नहीं हो सकती, गलत है। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद करेक्शन कर लेते हैं, मैग्नेट ऐसे की बजाय मैग्नेट ऐसे है, तो नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है। चलो मैंने स्टार्ट किया, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, अब सही है, अब बात बनती है। अब ये लूप इसमें एंटर कर रहा है, लूप एंटर कर रहा है, जब एंटर कर रहा है तो मान लो इसमें करंट क्लॉकवाइज है, और जब बाहर निकल रहा है करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि पहले फ्लक्स बढ़ रहा है और फिर फ्लक्स घट रहा है, तो एकदम वो चेंज करेगा डायरेक्शन, ऐसा ही होगा। तो जब मैंने इसको एंटर करवाना है तो कायदे से ये होना चाहिए, जब ये एंटर कर रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब ये एंटर करेगा, जब ये एंटर करेगा, तो जब ये एंटर करेगा तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, पॉजिटिव, फ्लक्स बढ़ेगा, और ईएमएफ क्या होती है, माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये टर्म क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, तो ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं हो सकता, गलत है, ग्राफ को यहां से स्टार्ट होना है, ऐसे हमने एनसीईआरटी में किया भी था, जब फ्लक्स बढ़ता है डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव होता है तो ईएमएफ नेगेटिव होती है, तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, और जब घटेगा, जब बाहर निकलेगा लूप, डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, पहले नीचे फिर ऊपर, ये सही नहीं बना हुआ, पहले नीचे बनेगा फिर ऊपर बनेगा, ऐसा हमने पहली भी एक बार डिस्कस किया था, क्लियर है यहाँ तक, तो सही नहीं है, जो मैंने भी किया गलत किया हुआ है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ना बी टाइम के साथ चेंज होता हुआ दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पहले ज़ीरो है, फिर बढ़ गया, कांस्टेंट है, घट गया, आपको बताना है ईएमएफ की वैल्यू किस में ज़्यादा किस में कम होगी, ये बताओ, रैंक करो इसे। तो मुझे पता है जो ईएमएफ होती है वो बी इन डी फाइव बाई डी टी में एरिया बाहर आ जाओ, लूप का एरिया तो कॉन्स्टेंट है, इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है, बी चेंज हो रहा है, देख रहे हो बी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो एरिया इंटू डी वी बाई डी टी। अब जिसकी स्लोप बढ़ी है उसकी ईएमएफ बढ़ी है, स्लोप कम है ईएमएफ कम है, और स्लोप अगर ज़ीरो तो ईएमएफ ज़ीरो है। शुरू करें, सबसे ज़्यादा स्लोप इसमें इसकी रीजन की है, बी रीजन की है, सबसे ज़्यादा स्लोप इसकी है, सबसे ज़्यादा ईएमएफ बी की होगी, तो यानी कि आंसर या तो ये बनेगा या ये बनेगा या ये बनेगा, ये तो बन नहीं सकता। फिर उसके बाद क्या हुआ, डी और ई की बात कर रहे हैं, डी रीजन और ई रीजन की स्लोप कॉन्स्टेंट है, बराबर है, बराबर है, इसमें ईएमएफ बराबर आएगी, क्योंकि डी वी बाई डी टी स्लोप दोनों में बराबरी तो चल रही है, स्ट्रेट लाइन है, वही स्ट्रेट लाइन आगे कंटिन्यू हो रही है, तो स्लोप दोनों में कांस्टेंट है, दोनों रीजन में, तो इसलिए डी और ई बराबर है। अब लास्ट रीजन है ये वाला सी और ए, इन दोनों में बी क्या है, स्लोप क्या है, जीरो, ईएमएफ क्या है, जीरो, तो देख रहे हो ए और सी में ईएमएफ क्या है, ए और सी में ईएमएफ जीरो, दोनों बराबर है, और सबसे कम है, जीरो से कम तो क्या ही आएगी, सबसे एंड में ही आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है यहाँ तक। अब लास्ट में आप अपना एक फॉर्मूला रजिस्टर को एंटर करें, आई मीन ओपन करें, फॉर्मूला लिखने हैं।